हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए 14 प्रो मैक्स एंड S23 अल्ट्रा इनका फुल कंपैरिजन लेके आया हूँ और इसके प्रोसेसर की बात करते हैं। 14 प्रो मैक्स में A16 का बायोनेक चिपसेट है, वहीं S23 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 का प्रोसेसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, 14 प्रो मैक्स में iOS 16 ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहीं S23 अल्ट्रा में एंड्रॉयड 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। रैम की बात करते हैं, 14 प्रो मैक्स 6 GB, S23 अल्ट्रा आपको इसमें 2 वेरिएंट मिलेंगे, 8 GB 12 GB। रोम की बात करते हैं, 14 प्रो मैक्स में 4 वेरिएंट मिलेंगे। इसका बेस वेरिएंट 128 GB से स्टार्ट होता है और वहीं S23 अल्ट्रा में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। इसका बेस वेरिएंट 256 से स्टार्ट होता है। मेमोरी स्लॉट की बात करते हैं, 14 प्रो मैक्स में आप कोई भी मेमोरी नहीं लगा सकते हैं, ना ही आप S23 अल्ट्रा में कोई मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। डिस्प्ले की बात करते हैं, 14 प्रो मैक्स में 6.7 इंच की सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले देखने को मिलती है, वहीं S23 अल्ट्रा में 6.8 इंच की फुल HD डायनामिक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है। फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, 14 प्रो मैक्स में 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, वहीं S23 अल्ट्रा में भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। अब रियल कैमरा की बात करते हैं, 14 प्रो मैक्स में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा भी 12 मेगापिक्सल को देखने को मिलता है। वहीं S23 अल्ट्रा में 4 कैमरा देखने को मिलते हैं। मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, टेलीफोटो 10 मेगापिक्सल के कैमरा देखने को मिलते हैं और अल्ट्रा वाइड कैमरा 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। बैटरी की बात करते हैं, 14 प्रो मैक्स में 4323 mAh की बैटरी है, वहीं S23 अल्ट्रा में 5000 mAh की बैटरी है। S23 अल्ट्रा में iPhone के मुकाबले बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। अब इसके नेटवर्क टाइप की बात कर लेते हैं, 14 प्रो मैक्स एक 5G फ़ोन है, S23 अल्ट्रा 5G है, ये दोनों ही फ़ोन 5G सपोर्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।